नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीपीएन 24। अंबाला निवासी व्यक्ति को नया स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने का झांसा देकर जाली कागजात फर्म और जाली स्टाम्प पेपर खरीदकर 35 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान आदित्य बंसल सेक्टर 9 निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया। आर्थिक अपराध शाखा के इंचार्ज कमलजीत सिंह ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपी से रुपए, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किया जाएगा। पुलिस के अनुसार अंबाला कैंट निवासी सुकांत गुप्ता ने सेक्टर 5 पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 2021 में चंडीगढ़ कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया। स्टार्टअप बिजनेस के चलते उनकी मुलाकात कॉलेज में पढ़ने वाले सेक्टर 9 निवासी आदित्य बंसल से। 2023 में आदित्य बंसल ने शिकायतकर्ता को एक दिन ऑफिस पेपर का बिजनेस शुरू करने के बारे में बताया। उसने कहा कि निजी कंपनी के साथ ऑफिस पेपर बिजनेस की शुरुआत करते हैं। शिकायतकर्ता ने आदित्य के बारे में आकर हामी भर दी और बिजनेस शुरू करने को कहा। धीरे धीरे निवेश के नाम पर आदित्य के पैसे खर्च हुए और शिकायतकर्ता सुकांत गुप्ता के भी करीब 30 से 35 लाख रुपए खर्च हुए। बिजनेस के सारे दस्तावेजों की जाँच की गई तो पता चला कि आदित्य की स्टार्टअप कंपनी से ही निजी कंपनियों को ऑफिस पेपर का ऑर्डर लिया जा रहा। इसकी जानकारी आदित्य ने शिकायतकर्ता को नहीं दी थी। शिकायतकर्ता ने तुरंत आदित्य को बुलाकर उसके सारे रुपए वापस करने को कहा तो आदित्य ने जान से मारने की धमकी। इसके बाद परेशान होकर शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद आगामी जाँच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी। जैसे फ्रॉड के मामले में FIR दर्ज करके एक आरोपी अरेस्ट किया, सर क्या मामला है? सर ये एक FIR नंबर 83 सेक्टर 5 थाना की थी, 2024 की दर्ज हुई थी। उसमें एक आदित्य बंसल नाम का एक लड़का है जो बीटेक इंजीनियर है। उसने फर्जी मेल आईडी बनाई और फर्जी कंपनी बनाई, जिसमें इसने कहा कि A4 पेपर्स का बिजनेस के नाम पे फर्जी मेल्स भेज के डिमांड इसने भेजता रहा कि इतने पेपर्स चाहिए। उस एवज में इसने मुदई से 33 लाख रुपए का गबन किया है, जिसमें इसको अरेस्ट किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जी 24।